Friends, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub. And in this video, we are going to continue our series, जो हमारी series है Labour Law in India. Industrial relation हमने cover कर लिया है. अब labour law जो भी है India में, उसको हम लोग एक-एक करके discuss कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर बात करें introduction की, अगर मैं आपको introduce करूँ ये topic, तो मैं कहूँगा कि जो labour law होता है ना जो लेबर लॉ होता है उसको एम्प्लॉयमेंट लॉ भी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉ भी कहते हैं. अब ये लेबर लॉ या फिर एम्प्लॉयमेंट लॉ क्यों जरूरी है और ये होती क्या है? तो ये लेबर लॉ जो है कई सारे चीजों से मिलके बनती है, जैसे बॉडी ऑफ लॉ. मान लो कोई लॉ बनाया गया, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ लॉ, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग. एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग्स, जो पहले कोई रूलिंग दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग है लेबर से रिलेटेड, वो भी लॉ ही माना जाता है, ठीक है? इसके अलावा प्रिसिडेंट्स, जो पूर्व उदाहरण है, प्रिसिडेंट्स, ठीक है, जो पूर्व उदाहरण है लेबर के फील्ड में, उनको भी हम लीगल ही मानते हैं और लेबर लॉ ही मानते हैं, ठीक है? ये किस लिए जरूरी है? ताकि वर्कमैन जो है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसके लीगल राइट्स को सिक्योर किया जाए, उसको कुछ लीगल राइट्स दी गई हैं, उसको सिक्योर किया जाए, ठीक है? उसको सिक्योर करने के लिए ये जो लेबर लॉ होते हैं ना, ये लेबर लॉ कहीं ना कहीं मीडिएशन का काम करते हैं. किसके किसके बीच में? तो एम्प्लॉई एंड ट्रेड यूनियंस के बीच में. एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और ट्रेड यूनियंस के बीच में. ट्रेड यूनियन के ही मेंबर होते हैं एम्प्लॉयज मैक्सिमम, ठीक है? इनको, इनके बीच में मीडिएशन का काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं लेबर लॉ. ये एक रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम इन तीनों के बीच में हो उसको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है? तो जनरली अगर कहें अदर वर्ड्स में, तो लेबर लॉ जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स. इसके अलावा यूनियंस, यूनियन के मेंबर्स, ठीक है, एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, ये जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डिफाइन करता है, ठीक है, लेबर लॉ. अब आपको लेबर लॉ समझ में आया होगा, ठीक है? तो जनरली जो लेबर लॉ है ना, जनरली जो लेबर लॉ है वो कवर करता है नंबर वन इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन. इंडस्ट्रियल रिलेशन में कैसे किसी यूनियन को सर्टिफाई किया जाएगा, सर्टिफिकेशन ऑफ यूनियन, यूनियन को सर्टिफाई करने का काम, सर्टिफिकेशन देने का काम. लेबर मैनेजमेंट रिलेशन. इसके अलावा कलेक्टिव बारगेनिंग. इसके अलावा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस. इन सारे चीजों को रेगुलेट करने का काम हम कैसे करते हैं? लॉ बना के. कौन सा लॉ बना के? लेबर लॉ बना के, ठीक है? मान लीजिए सर्टिफिकेट देना है यूनियंस को, ट्रेड यूनियंस को, या फिर लेबर और मैनेजमेंट का जो रिलेशन है उसमें कोई इधर उधर होता है, या फिर कैसे उसको रेगुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग लेबर लॉ बनाएंगे. इसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग से सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है. दोनों टीम बैठती है और कंसिलिएशन किया जाता है. मान लीजिए मैं एक वर्कमैन हूँ और मेरा एक एम्प्लॉयर है, इससे मेरी अनबन हो गई और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, उस केस में कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इफेक्टिव होता है. या फिर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है लेबर लॉ के द्वारा. ये तो पहला हो गया, ठीक है, पहला जो लेबर लॉ कवर करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है. इसके अलावा क्या करता है लेबर लॉ? कवर करता है वर्कप्लेस हेल्थ
एंड सेफ्टी। अब देखो वर्क प्लेस पे हेल्दी वर्क प्लेस बना रहे और सेफ्टी लेबर्स की बनी रहे उसके लिए लॉ बनाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, और इसके लिए लेबर लॉ बनाया जाता है, लेबर लॉ बनाया जाता है ताकि हेल्दी इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट बना रहे वर्क प्लेस पे। ठीक है, अब मान लो हजार्डस वर्क एक्टिविटी है, वहाँ पे अगर हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड कोई अगर स्टैंडर्ड नहीं है, कोई लेबर लॉ नहीं है, तो क्या क्या होगा, वर्कमैन मरेगा, लेबर जो है वो मरेगा, है ना। तो इसलिए इसको भी रेगुलेट करने का काम करती है लेबर लॉ। इसके अलावा क्या करती है भाई, तो थर्ड नंबर पे एम्प्लॉयमेंट का स्टैंडर्ड जो है, एम्प्लॉयमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए लॉ बनाया जाता है, इंक्लूडिंग जनरल हॉलीडेज हो गया। ठीक है, जनरल हॉलीडेज कितनी हॉलीडे मिलनी चाहिए एक लेबर को, ये जरूरी है, उसके लिए लॉ बनाना जरूरी है। एनुअल लीव भी मिलनी चाहिए, एनुअल लीव, अब आदमी है काम कर रहा है तो जानवर तो है नहीं, इसके लिए छुट्टी की इसको जरूरत पड़ेगी, और भी सारे इसके काम रहते हैं उसको एनुअल लीव चाहिए। वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, जनरली 8 घंटे रखते हैं तो ये भी रेगुलेट करना लेबर लॉ के द्वारा जरूरी है। अनफेयर डिसमिसल ना हो, है ना, गलत तरीके से किसी लेबर को ना निकाल दिया जाए, इसके लिए भी जरूरी है कि लेबर लॉ हो। मिनिमम वेज से रिलेटेड भी लेबर लॉ होना चाहिए, है ना। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, जैसे ले ऑफ प्रोसीजर, ले ऑफ अगर मान लो कर रहे हो, ले ऑफ क्या होता है, किसी एम्प्लॉय को थोड़े समय के लिए निकाल दिया, उसको काम से हटा दिया, तो ले ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए। या फिर सीवियरेंस पे, भी रेगुलेट करना जरूरी है। तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी लेबर लॉ बनाकर ही रेगुलेट किया जाता है। आई होप अप टू दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब हम बात करें लेबर लॉ की, तो लेबर लॉ ब्रॉडली अगर बात करें तो ब्रॉड कैटेगरी में लेबर लॉ 2 कैटेगरी में होता है, ब्रॉडली 2 कैटेगरीज। वो कौन कौन से 2 कैटेगरीज हैं वो देख लो। पहला है इसमें ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड यूनियन, पहला है ट्राइपार्टाइट। ठीक है, पहला क्या है, पहला है ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप। अब ये 3 पार्टी का रिलेशनशिप है, सिंपल शब्दों में समझ लो। कौन कौन सी पार्टी है इसमें, इसमें है एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई है, दूसरा है क्या, एम्प्लॉयर, और तीसरा क्या है इसमें, यूनियन है। यूनियन कौन सा, ट्रेड यूनियन। इन तीनों का बीच का रिलेशन को यू नो कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्रॉडली 1 लेबर लॉ बनाना पड़ता है यहाँ पे। दूसरा लेबर लॉ, दूसरा जो है इंडिविजुअल लेबर लॉ कंसर्न्स से रिलेटेड बनाया जाता है, इंडिविजुअल लेबर लॉस। ये तो हो गया रिलेशनशिप ट्राइपार्टाइट, जहां पे कोई विवाद होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर यूनियन, इससे इसको रेगुलेट करने के लिए 1 लेबर लॉ ब्रॉडली 1 कैटेगरी में होता है। और एक होता है इंडिविजुअल लेबर लॉ। यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है जो राइट्स हैं लेबर के, राइट्स ऑफ लेबर एट वर्क, जो लेबर के राइट है वर्क पे उसको रेगुलेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, है ना, ये सारे को रेगुलेट करने के लिए एक ब्रॉडली एक ये कैटेगरी। तो 2 कैटेगरी आपको मैंने बताया, ठीक है, 2 कैटेगरी मैंने आपको बताया। ये सब जो राइट्स है ना, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं डेवलप हुए हैं, काफी पुरानी हिस्ट्री है। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में काफी ज्यादा लेबर मूवमेंट हुए थे, काफी ज्यादा लेबर मूवमेंट्स हुए, बिकॉज उस समय लेबर से रिलेटेड जो राइट्स थे वो काफी कम थे, ठीक है, और मतलब रेगुलेशन था ही नहीं, बहुत कम था। तो ये सब जो आज की डेट में आप लेबर लॉज देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं पुराने समय का जो लेबर मूवमेंट हुआ था ना 19th और 20th सेंचुरी में, उसका ही ये परिणाम है।
अब देखो लेबर जो राइट्स होता है ना, लेबर राइट्स जो होता है वो काफी इंटीग्रल होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा लेबर राइट जरूरी है। कैसे, अगर मान लो लेबर राइट ही नहीं दिया तो वो बंदा काम ठीक से नहीं करेगा, काम ठीक से नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नीचे जाएगा, प्रोडक्शन काफी लो रहेगा, प्रोडक्शन लो होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ओवरऑल लेबर राइट्स देके हम लोग इंश्योर करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है, आगे बढ़ने। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, और ऑब्जेक्टिव्स जो है लेबर लेजिस्लेशन की वो क्या है, क्या सोच के हम लोग लेबर लेजिस्लेशन बनाते हैं या फिर लेबर लॉ बनाते हैं, ठीक है, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा उसके पीछे। तो ब्रॉडली तीन ऑब्जेक्टिव है। नंबर वन, पहला तो ये है कि एक इस्टेब्लिश किया जाए एक लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम एक इस्टेब्लिश किया जाए ताकि ये लीगल सिस्टम जो है फैसिलिटेट करे प्रोडक्टिव इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप और अल्टीमेटली प्रोडक्टिव इकोनॉमी बने। प्रोडक्टिव इकोनॉमी के लिए एक लीगल सिस्टम होना जरूरी है, लीगल सिस्टम नहीं रहेगा तो रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है तो फिर यू नो राइट्स नहीं होंगे लेबर के, राइट्स नहीं होंगे तो लेबर काम ठीक से नहीं करेगा, काम नहीं होगा करेगा तो प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं होगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है लीगल सिस्टम बिठाना ताकि प्रोडक्टिव इकोनॉमी को मेंटेन किया जाए। दूसरा जो इसमें ऑब्जेक्टिव है वो है कि वर्क प्लेस डेमोक्रेसी को डेवलप किया जाए, वर्क प्लेस डेमोक्रेसी को, वर्क प्लेस डेमोक्रेसी को डेवलप किया जाए, मेंटेन किया जाए। वर्क प्लेस डेमोक्रेसी से मेरा मतलब ये है कि देखो कोई इंडस्ट्री है, मान लो कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक तो ऑनर्स होंगे, ऑनर्स में मतलब मेरा मैनेजमेंट से है, मैनेजमेंट होगा जो कि मालिकाना काम करता रहेगा, वो आउटपुट में विश्वास करता है, प्रॉफिट में विश्वास करता है। दूसरे लेवल पे कौन होगा, दूसरे लेवल पे वर्कर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, वर्कर्स जो है मेन यू नो ये लोग श्रम है, मेन ये लोग प्रोडक्टिव यूनिट है, यही लोग काम करते हैं तो प्रोडक्शन होता है, यही लोग काम करते हैं तो प्रोडक्शन होता है। लेकिन वर्क प्लेस में डेमोक्रेसी नहीं होती, ये क्या है, ये क्या है, यूनिटरी अपना यूनिलैटरल, कहने का मतलब है कि एक तरफा ऑर्डर्स पास करते हैं और ट्राई करते हैं ये मैनेजमेंट वाले कि वर्कर्स को मैक्सिमम टाइम कंट्रोल्ड किया जाए, कंट्रोल्ड एक्टिविटी कराई जाए, मतलब कि उनको रेगुलेट किया जाए ज्यादा से ज्यादा ताकि प्रोडक्टिव हो, वो उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जाए। इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी वर्क प्लेस पे नहीं इस्टेब्लिश हो पाती है जो कि काफी डेंजरस है। इस डेमोक्रेसी को, इस वर्क प्लेस डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए कुछ लॉ बनाने जरूरी है, कुछ लॉ बनाने जरूरी है। वो लॉ ऑब्जेक्टिवली क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका, तो भाई वर्क प्लेस डेमोक्रेसी बनी रहे। तो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव निकल के आया है वर्क प्लेस डेमोक्रेसी होना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ेगा कि वर्कर्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव या फिर ट्रेड यूनियन या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कहीं ना कहीं इंटरैक्ट कर पाए मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तब ये पॉसिबल है वर्कप्लेस डेमोक्रेसी, है ना। और हारमोनियस इंडस्ट्रियल, हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन बना रहे, इससे क्या दोनों को फायदा होगा, वर्कर भी ठीक से काम करेंगे, वर्कर ठीक से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये दो बातें हमने, दो ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली अब तक देखी, अब हम चलो तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा कहता है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है या फिर राइट है वर्क पे, वो कहीं ना कहीं उसको सोशल एक्सेप्टेंस एंड कहीं ना कहीं राइट को इन्फोर्स किया जाए, ठीक है। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल
प्रिंसिपल्स हैं, किससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स है ना, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं राइट्स से रिलेटेड, किसके राइट्स, वर्कर्स के राइट्स से रिलेटेड, उसको गारंटी मिले, उसको गारंटी मिले, ठीक है। फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि राइट्स से रिलेटेड हैं वर्कर्स के, उसको गारंटी मिले, उसको इन्फोर्स किया जा सके, उसको इन्फोर्स किया जा सके, उसके लिए एक लीगल मैकेनिज्म होना चाहिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट बनता है इस पर्टिकुलर लेबर लेजिस्लेशन का।